रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। अधिकार का सम्मान, 100% मतदान, जागरूक मतदाता, लोकतंत्र की पहचान। रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, और मैं हूँ आपके साथ प्रकाश। हेलो वोटर्स में मेरी ज्ञान भरी बातें सुनकर उच्चतम हो जाते हैं हर किसी के आचार विचार। बस करना यार। अच्छा तो रिचा, तुम भी हो मेरे साथ, फिर तो जमकर होगा विचारों का आदान प्रदान। ओफो। वैसे आज तुम्हारी इंटेलिजेंस का भी होगा एग्जाम, क्योंकि डेटा और स्टैटिस्टिक्स से जुड़े हैं मेरे पास बहुत सारे सवाल। तो ऐसा क्या है खास आज तुम्हारे पास? अच्छा बताओ, भारत में क्रिकेट मैच के बराबर किस चीज का क्रेज है? मतलब उतना ही जोश, उतना ही जज्बा और उतनी ही दिलचस्पी हम इंडियंस को किस बात पे होती है? अच्छा, इंडिया में क्रिकेट से एक्साइटिंग भी कुछ है? जी हाँ रिचा मैडम, बल्कि क्रिकेट से भी ज्यादा भागीदारी देखने को मिलती है। तुम तो एक्साइटमेंट बढ़ाते जा रहे हो, आखिर बताओ भी ऐसा क्या है? वो है भारत में होने वाले चुनाव, जिसमें पूरे देश की जनता बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी निभाती है। तुम्हें पता है 2019 का लोकसभा चुनाव मानव इतिहास का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास है। टोटल 91.19 करोड़ मतदाताओं ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें 61.468 करोड़ मतदाताओं की भागीदारी देखने को मिली। यानी कि टोटल वोटर टर्नआउट 67.40% था। करेक्ट, मेरी मैथ्स की टॉपर। और पता है 2019 के आम चुनाव में आज तक का सबसे ज्यादा वोटर पार्टिसिपेशन देखने को मिला। इसमें मेल इलेक्टर्स 47.34 करोड़, फीमेल इलेक्टर्स 43.85 करोड़ और 39,075 थर्ड जेंडर इलेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था। यानी फीमेल वोटर टर्नआउट था 67.18% और मेल वोटर टर्नआउट रहा 67.01%। मतलब ये है कि महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा थी। That's amazing. Yes, it is. ये सब 2019 के इलेक्शन में पहली बार हुआ है। और अमेजिंग फैक्ट्स ये हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा नोटा वोट काउंट हुआ, 8,16,950। वाओ प्रकाश, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मतलब 2019 का लोकसभा चुनाव क्रिकेट से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। वैसे इतने फैक्ट्स और डेटा तुम्हें कहाँ से मिले? तुम इतनी रिसर्च और एनालिसिस करने वालों में से तो नहीं हो। एकदम सही पहचानती हो तुम मुझे। ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आम चुनाव 2019 की इलेक्शन एटलस से बस एक ही नजर में मिल जाती है। अरे वाह। इलेक्शन कमीशन ने 15 जून 2021 यानी कि 15 जून 2021 को ये इलेक्शन एटलस रिलीज किया है, जिसमें लोकसभा इलेक्शन 2019 के बारे में स्टैटिस्टिक्स और डेटा मैप्स और टेबल फोटोग्राफ्स के फॉर्म में है, जिससे इलेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है। लोकसभा इलेक्शन 2019 के ओवरव्यू टेबल को देखना, वन कैन इजीली फाइंड आउट टोटल इलेक्टर्स, कैंडिडेट्स, विनिंग पार्टी, इलेक्टेड एमपीज, विनिंग मार्जिन, सब कुछ, मतलब बहुत आसानी से पता चल जाता है। हाँ, वाकई ये मैप्स कितने क्रिएटिवली डिजाइन किए गए हैं। इस एटलिस में इलेक्शन के इम्पोर्टेंट इंसिडेंट के सभी डेटा और स्टैटिस्टिक फिगर्स शामिल हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स से रिलेटेड 42 मैप्स और 90 टेबल्स हैं, जो चुनाव के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। एटलिस में भारतीय चुनावों से जुड़े रोचक तथ्य, घटना और कानूनी प्रावधान भी शेयर किए हैं। अरे वाह, तब तो इसमें बहुत सारे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन होंगे। आई डू वॉन्ट टू गेट दिस एटलिस परचेज। ये हुई ना बात। जनरल इलेक्शन की इस एटलिस को तुम आराम से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकती हो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट eci.gov.in पर जाकर। होम पेज से इसे डाउनलोड कीजिए और जानिए तमाम फैक्ट्स रिलेटेड टू लोकसभा इलेक्शन 2019। अरे वाह, ये तो और भी अच्छा है। वाकई इलेक्शन कमीशन न सिर्फ भारत चुनाव का सक्रिय रूप से संचालन करता है, बल्कि चुनाव से जुड़े पहलुओं को आम जनता तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास भी करता रहता है। इस एटलिस के माध्यम से चुनावों के बारे में दिलचस्पी और बढ़ जाती है। रिचा पता है 2019 के चुनाव में सबसे ज्यादा पोलिंग स्टेशन किस राज्य में लगाए थे? टोटल कितने यंग वोटर्स ने पार्टिसिपेट किया था? मुझे नहीं पता, लेकिन जानना जरूर चाहूंगी। सारी जानकारी मिलेगी बालिके, लेकिन आज नहीं, हमारे अगले शो में। अच्छा, तो मुझे फिर से तुमसे मिलने आना होगा। बिल्कुल।